लिबरल टीवी लोकां दी आवाज लोकां लई। लिबरल टीवी पंजाबी विच तुहाडा स्वागत है। मैं तुहाडा अंतरप्रीत सिंह खैरा। गल करदे आ करोना महामारी नूं लैके, जिथे लॉकडाउन लग जांदा है, दुकानां बंद हन, तां लोक राहत दी उडीक दे विच हन कि राहत कदों मिलदी आ। उत्थे ही पंजाब पुलिस दी गुंडागर्दी जिहड़ी आ आए दिन सामने आ रही आ। पिछले दिन ही असीं खबरां देखियां सी कि किवें एक थानेदार वालों एक सब्जी वाले की लत्त मार के जिहड़ा वो सब्जी खिलार दिती जांदी आ। उस तो बाद एक वीडियो वायरल हुंदी आ कि एक सब्जी वाले का भांडा जिहड़ा चुक के वो पुलिस मुलाजम जिहड़े आ वो लै जांदे ने। एक दुकान का शटर खुलवा के उस दे विच इकल्ला बैठा टेलर मास्टर जिहड़ा कपड़े सी रहा हुंदा उसका चलान कर दिता जांदा। तां जिहड़ी घटना होई सी फगवाड़े दी, उस दे विच तुरंत ही पंजाब दे डीजीपी ने जिहड़ा एक्शन लैंदे होया उस थानेदार नूं सस्पेंड कर दिता सी। तो इन्हां घटनावां तों पुलिस मुलाजमां वल्लों कोई भी सिक्ख्या जिहड़ी आ उह नहीं लई जा रही आ। ताज़ा मामला श्री अमृतसर तों सामने आया जिथे पुलिस मुलाजमां वल्लों दुकानदार दे चपेड़ां मारियां जांदियां ने। तस्वीरां दे विच तुसीं देख रहे हो कि किवें पुलिस मुलाजम एक दुकानदार नूं चपेड़ां मार रहे ने। शरेआम बाज़ार दे विच चपेड़ां मारियां जा रहियां ने। पुलिस मुलाजमां दी गुंडागर्दी किस कदर जिहड़ी आ पंजाब दे विच चल रही है कि शरेआम एक पुलिस मुलाजम जिहड़ा वह दुकानदार नूं चपेड़ा मारिया। अमृतसर की गल की जाए तो अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर वालों ये फैसला लिया गया सी कि एक दिन सज्जे पासे वाली दुकाना खुलनगियां, एक दिन खब्बे पासे वाली दुकाना जिहड़ियां खुलनगियां। तो इस रोटेशन के चलते एक दुकानदार जिहड़ा कपड़ा व्यापारी आ वो अपनी दुकान तो GST दे कुछ कागज जिहड़ा लैण आया सी, तो इस करके उसने दुकान खोली सी। तो जदों ही पुलिस मुलाजमान नूं पता लगता कि दुकान खुली आ, पुलिस मुलाजमान वालों उस दुकानदार नूं बाहर कढ के उस दे चपेड़ां मारियां जांदियां ने। CCTV दे विच तुसीं देख रहे हो कि किवें एक पुलिस मुलाजम जिहड़ा एक दुकानदार दे चपेड़ां मार रहा है। जेकर कोई गलती की है, कोई लॉकडाउन की उलंघना की है, तो परचा जिहड़ा दर्ज कर दिता जाना चाहिए सी। इस तरह चपेड़ां जिहड़ियां वो नहीं मारनिया चाहीदियां सी। पुलिस नूं किसने हक दे दिता कि किसी की कुटमार जिहड़ी आ की जाए बिना गल तो। जेकर किसी ने लॉकडाउन के नियम तोड़े ने तो उसते कार्रवाई जिहड़ी आ होनी चाहीदी आ। इस तरीके नाल कुटमार जिहड़ी आ वो बिल्कुल नजायज़ आ। तां तुसीं तस्वीरां दे विच साफ देख रहे हो कि किवें एक कपड़ा व्यापारी नूं दुकान दे विच्चों बाहर कढ के जिहड़ा उसकी कुटमार की जा रही है। कपड़ा व्यापारी का कहना है कि उसकी दुकान दे विच एक लड़की भी मौजूद सी, तां पुलिस मुलाजमान वालों उस नाल भी बदसलूकी की गई है, माड़ी जिहड़ी आ शब्दावली वरती गई आ। तां उस तों बाद दुकानदार भड़क जांदे ने, तां दुकानदारां वालों इंसाफ की मांग की जाती है। सर वही दुकान आपां एक्चुअली बेसिकली खोली सी GST दे रिटर्न वास्ते, ते बेसी ओह खोलनी नहीं चाहिए सी। उस चीज़ के अंदर मतलब अपनी दुकान खुली सी ते ओह अंदर आ गए पुलिस साहब कि जी तुसीं इस तरह कर रहे हो। मैं कहा सर अपन काम नहीं कर रहे हैं, अपन रिटर्न भर रहे सी सिर्फ बेसिकली। कोई कल फाइन पै जाता, 10 तरीक तो बाद फाइन पै जाता उस अंदर। उस चीज़ के अंदर उन्होंने थोड़ी जी गल बात हुई है उस चक्कर के विच, तुसीं देखा ही है वो अंदर। बाकी यह है कि अपना इन्होंने साहब जी ने सानू आश्वासन दिता है कि जो भी है स्विफ्ट एक्शन जो भी होएगा ठीक होएगा, तो वो अंदर अपन सैटिस्फाइड है इन्हों रिप्लाई। आप अपने वालों हले कोई हले एक्शन इन्हों उ नहीं हले कर रहे हैं। कोई भी सर अभी तो कुछ नहीं, हले मैं इन्होंने शेयर कर ली है वीडियो, तो हूँ कह रहे हैं अपने आप इस बारे में देख लें। अपने वे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं तो उन्होंने वालों कहा जाता कि मामले की जी पड़ताल की जाएगी, कौन दोषी है, तो दोषी के खिलाफ जी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सर की सारा मामला हो साढ़े इतने पुलिस पार्टी गश्त आई थी दुकाना को आप राइट साइड लैफ्ट साइड का खुलिया हुआ सो इस दुकान का गेट दरवाजा परले पासे उस दुकान से आकर मुलाजम ने देखा हुआ है। तो इन्होंने आपस में कोई बहस बहस हुई है, उस गाड़ी में आया है राघव जी है जिन्हें दुकान के मालिक है, इन्होंने को कहते हैं साड़ी कोई गलबात नहीं हैगी जी। देखो टाइम लगता पुछ लेना पुछना मदई पुछ लेने जी की चाहता है उस हिसाबी कर दी। तो दोषी कौन है बिल्कुल साफ स्क्रीन के उत्ते देख रहे हो, CCTV फुटेज तुसी देख रहे हो कि किवें एक दुकानदार नूं जिहड़ा दुकान चो बाहर कढ के उस उत्ते थप्पड़ां दी बरसात कर दित्ती जांदी आ पुलिस मुलाजमान वल्लों।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ GST ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ GST ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ SHO ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ, ਕੀ DGP ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲਿਬਰਲ TV ਪੰਜਾਬੀ।